आज हम सिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तवस्सुत से मैंग्रोव्स कैसे लगते हैं, मैंग्रोव्स का कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज को रोकने में क्या किरदार है, कार्बन से हमारे माहौल को कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए ये मैंग्रोव्स किस तरीके से कारामत साबित होते हैं। ये दरख के ऊपर लगा हुआ होता है, नीचे वाला हिस्सा इसमें वजन ज्यादा है, वो नेचुरली जहाँ दरख में लगा होता है रैप्ड होके वहीं से गिर के वहीं रीजनरेशन भी हो जाती है इसमें। आप मेरे अतराफ में देख रहे होंगे जो हरियाली आपको दिखाई दे रही है, यही वो मैंग्रोव्स हैं जो हमारे सोसाइटी से, हमारे एनवायरनमेंट से कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सामने देख रहे हैं आपको एविसिनिया के दरख नजर आ रहे हैं और आइसोफोरा के। ये मैंग्रोव की एक लाइफ कितनी होती है एक तरफ की? फॉरेस्ट के हिसाब से देखें तो रोटेशनल एज तकरीबन 30 से 35 साल है। कह सकते हैं मकामी कम्युनिटी तो है जो यहाँ के मकामी गोट होते हैं, लेकिन यहाँ तक आने में भी 2-2.5 घंटे 3-3 घंटे का इनको अपनी लांचों में सफर तय करना होता है, और उसके बाद ये फिर 1.5 से 2 फुट का ये पानी इस वक्त जहाँ पे ये मैंग्रोव्स लगे हुए वहाँ पर है। यहाँ पर मैंग्रोव्स की काश्त हो रही है, 25 सालों में इन मैंग्रोव्स ने भी काफ़ी अपनी जो है शजरकारी बढ़ाई है यहाँ पे, उससे जो मछलियाँ हैं उनकी पकड़ने की तादाद में इजाफा हुआ है। इसकी वजह से तो हमारे रोजगार है, वैसे तो कम हो जाता, बहुत दिन पहले ही कम हो जाता। कंटिन्यूसली हमने एफर्ट्स किए, ऐसा नहीं है कि हमने एक साल प्लांटेशंस की दूसरे साल हम खामोश होकर बैठ गए, इस तरह नहीं है। अब जो करंट फिगर हमारे पास मैंग्रोव कवर की है वो 2,40,000 हेक्टेयर पे हमारे पास मैंग्रोव जिस वक्त अवेलेबल हैं, जो कि जाहिर करते हैं कि पिछले 25 से 30 सालों में तकरीबन 3 टाइम्स इसमें इंक्रीज आया है। देखिए प्रोग्राम आवाज हर हफ्ते की शाम 7 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर।